भारत के सुविख्यात आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती 2 अगस्त दिन मंगलवार को महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई में मनाई गई। इस मौके पर विज्ञान मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई विधाओं में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और विज्ञान के महत्व को समझाया। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक रसायनज्ञ आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय के जन्म दिवस को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड भिलाई के प्रांगण में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विज्ञान मेला लगाया गया। इस मेले में विज्ञान पर आधारित मॉडल चित्रकला प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता सहित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन सभी विधाओं में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मनुष्य के जीवन में विज्ञान की महत्वता को बखूबी समझाया। वहीं मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्पगुच्छ शॉल श्रीफल देकर किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय की जीवनी पर प्रकाश डाला और शाला परिवार द्वारा विज्ञान मेले के आयोजन की सराहना की। तत्पश्चात मंच के माध्यम से भी लघु नाटिकाओं एवं कविता पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों ने विज्ञान को बहु उपयोगी बताया। अरे अरे अरे, नींबू तो लाल हो गया। दम 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 दम। तुम्हारे पर बड़ी बुरी आत्मा का वास है। नहीं बनने देती, नहीं बनने देती। मैं तुम्हें तरक्की नहीं करने देती। आप ही बताइए बाबा, मैं क्यों रही है? अरे अरे अरे, बस अपनी सी मनशा। ये तो मेरे बाबा पास बैठ के समाप्त कर देंगे। चलो मैं तुम्हें विज्ञान मेला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार, लेखक, कविताकार और साहित्यकार सुधाकर सिंह सहित शिक्षण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कैम्बो ने कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही विज्ञान मेले के आयोजन के दौरान कई विधाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने भी भारतीय रसायनज्ञ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विज्ञान को मानव जीवन का मूल आधार बताया। मेरा नाम महिमा देवांगन है, मैं कक्षा 8 के छात्र हूं। मैं हाँ आज विज्ञान चार्ट में पादप कोशिका के चित्र बना हूँ। विज्ञान में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। और विज्ञान हाँ मतलब एक ऐसे चीज़ है जो हमारा जो 2 साल पुराना जो महामारी अभी आ रही से वे मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट मन हाँ पूरा वो का निवारण करी से वे वैक्सीन बनाई से होकर पूरा, तो ये सब विज्ञान के ही द्वारा हो है। मतलब बहुत अच्छा लगा था विज्ञान मेला में कवर की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रुचि है विज्ञान विषय में, तो बहुत ज़्यादा आनंद है इसे वे। रेन वाटर कलेक्शन क्या बताना चाह रही हैं, इसमें क्या होता है बताएंगे? आजकल जो सभी घरों में जब घर बनते हैं तो सीमेंटीकरण हो जाते हैं, तो बरसात का पानी जो भूमि के अंदर इसमें ही पाता है, तो उसे टंकी द्वारा टंकी में उसको एकत्र करके उसको हम बाग बगीचों में पेड़ पौधों में उपयोग में ला सकते हैं, खेती बाड़ी में उसको उपयोग में ला सकते हैं। लिया जा सकता है बरसात पानी को, सारी शुद्धियाँ पाई जाती है, बहुत सारे विधि द्वारा शुद्ध करके उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, पीने का पानी बना सकते हैं। बहुत ही रुचिदायक विज्ञान विषय है। रसायन हमारे आसपास बहुत से चीज़ों को प्रकृति में देखने से मिल जाता है हमें। और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, उनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय जी थे तथा इनके पिता फारसी विद्वान थे। इनके पिता की अंग्रेजी में रुचि बहुत अधिक थी, जिस कारण इन्होंने अपने ही गांव में एक मॉडल स्कूल नामक स्थापना किया। फिर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के आगे की जो प्राथमिक शिक्षा थी वही हुई। फिर उनका संपूर्ण परिवार कलकत्ता चला गया, फिर वहाँ उनकी आगे की शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद इन्होंने छात्रवृत्ति की परीक्षा दिलाई, छात्रवृत्ति की परीक्षा में इन्होंने उत्तीर्ण कर लिया और इनका विदेश जाने का सपना भी पूर्ण हो गया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिश्चंद्र राय था, उसकी माता का नाम भुवन मोहनी देवी था। उसके पिता इस गांव के प्रतिष्ठित जमींदार थे और वे पढ़ने के लिए विदेश गए और प्रेसिडेंट कॉलेज में उनका वो प्रोफेसर बने। कोरोना वगैरह जो हम महामारी झेल रहे हैं उसके लिए वो दवा बनाई है। अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रसायन विज्ञान है
वो जीवन विज्ञान के रूप में उसको जीवन के हर पहलू में बच्चों को इतना जागरूक करे कि बच्चे ये समझे कि ये आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जैसे कि आज जो हमारे आचार्य जी जिनकी जयंती मना रहे हैं हम, वो 100 साल पहले ही हमें हमारी इस जो वैश्विक महामारी की तैयारी के लिए मेडिसिन के निजात कर चुके थे। ये पूरे भारत को विश्व गुरु की चोटी की श्रेणी में लाने में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र घोष जी को अपना सादर नमन करता हूँ और बच्चों से यही आग्रह है कि आप निरंतर विज्ञान को, विशेष विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान को भी विशेष रूप से अध्ययन करें, ताकि जीवन के हर पहलू में स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊंचाइयों को छू पाए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के जन्मतिथि के अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। इसमें भैया बहनों द्वारा विभिन्न मॉडल तैयार किए गए हैं और उनके माध्यम से, उन मॉडलों के माध्यम से जल संरक्षण से लेकर के विभिन्न विधाओं को जो है वह मॉडल के माध्यम से प्रचलित किया गया है। निश्चित रूप से सरस्वती शिशु मंदिर का ये प्रयास उल्लेखनीय है और इससे रसायन विज्ञान को और अधिक प्रगति करने में एक सहायता मिलेगी और बच्चों को भी इस विज्ञान मेले से लाभ होगा और निश्चित रूप से उनके लाभ से जो है बच्चे लाभान्वित होंगे और रसायन विज्ञान को और अधिक प्रगाढ़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। महर्षि दयानंद सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त आचार्य और दीदियों ने अपने इस सहयोग के माध्यम से विज्ञान मेले का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पुनः उनके आभारी। आचार्य श्री प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के प्रख्यात रसायनज्ञ कहे जाते हैं और इन्होंने आज की वैश्विक महामारी कोरोना की दवा का निर्माण कई वर्ष पहले ही कर दिया था, जो आज उन्हीं की कंपनी के द्वारा बनाकर पूरे विश्व में इस महामारी को रोकने के लिए भेजी जा रही है और ये गर्व का विषय है हमें इस महान रसायनज्ञ पर, जिनकी वजह से आज भारत वैश्विक महामारी को खत्म करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।